भाई खुल गया खुल गया खुल गया भाई, कोई शोरूम को नहीं खुलिया, शोरूम को नहीं खुलिया, लूट की एक और दुकान खुल गई है। और भाई NHAI की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल हरियाणा में भाई आज तारी भी राम राम करवा दिया तो फिलहाल इस तरह से ये एक और दुकान जो है लूट की हुआ खुल गई है, जिसकी लाइव तस्वीर क्या लो भाई, जिसकी लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जींद रोहतक रोड से ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो भाई। और NHAI की अगर मैं बात करूं तो फिलहाल भाई रोक एक पर रोक रहे, रुक जा थोड़ा थोड़ा आगे ले लू रांची। देखो ये जो डेली आने जानी है मानस है जो इन पर पूछेंगे अभी रोड पहले तैयार होया या टोल टैक्स पहले तैयार होने लग रहा है, थोड़ा शीशा नीचे तैर ले। हाँ भाई तो हमारे को आओ जाओ हो, रोड में खड्डे भी बरकरार है, बिल्कुल बरकरार है जी, बहुत ज्यादा खड्डे हैं जी। और ये टोल टैक्स वसूलन की तैयारी कर दी है NHAI? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये इसको टोल टैक्स को जब तक वसूल नहीं करना चाहिए, जब तक इस पे पूरे को रोड फ्रेश नहीं होना चाहिए, जब तक पूरा कंप्लीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, इब तक तो रोड तो टूटा पड़ा है, देखो कितनी बढ़िया बात कही है, रोड इब तक टूटा पड़ा है और टैक्स टोल टैक्स वसूलने की तैयारी कर ली है। बिल्कुल जी बिल्कुल, गलत हो रहा है, जेब के ऊपर हो रहा है जी, ये तो हम सब ड्राइवरों के साथ गलत हो। पूछेंगे भाई, राम राम भाई, ठाडू ठाडू राम राम, कैसे हो? अच्छा सारे राम राम जी, कैसे हो? बहुत बढ़िया सर। अच्छा बताओ, ये रोड पे टोल टैक्स की तैयारी होगी है, यानी कि टैक्स वसूलने की तैयारी में है NHAI, जबकि रास्ते की अगर मैं बात करूं तो रास्ता इब्लग टूटिया पड़े, सड़कें टूटी पड़ी हैं। वो आपकी भाषा में क्या कराने जी, गुंडा टैक्स। हाँ। हमारे धर्मो भाई कहते हैं गुंडा टैक्स, ये गुंडा टैक्स शुरू करने वाली है सरकार। ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है जी, गुंडा टैक्स कभी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल ये राहगीरों की अगर मैं बात करूँ, चलो भाई आगे ले लो बिना ब्रेक, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सर पे गुट्टा टेक भाई, राम राम, दर्शकों ने भी राम राम, राम राम भाई। अच्छा देखो, टोल वसूली की अगर मैं बात करूं, NHAI का अगर बस चले तो आपके घर का आगे बैरिकेटिंग ला दी जावे और ओड़े तो टोल वसूली शुरू कर दी जाए, इसके हो सके नहीं सा? हो सके। तो फिलहाल जो इब टोल तैयार होने लग रहा है, रोड तैयार नहीं हो रहा ढंग से, गलत है ये काम। हाँ। तो मतलब सरकार का या NHAI का ध्यान सड़क के ऊपर खोनी, अभी जो पैसेंजर उनको सुविधा के देनी, वसूलीकरण का है सरकार की, जेब के ऊपर फोकस है, बोले कैमरामैन फोकस करो है, जेब के ऊपर फोकस। हाँ जी बिल्कुल जी। चलो कहाँ से हो आप? राजस्थान। राजस्थान से। तो इस रास्ते से कितनी बार गए हो? पहली बार है हमारा। हाँ। पीछे कितनी दिक्कत, खड्डे हैं? हाँ बहुत, सड़क सड़क में खड्डे, सड़क में खड्डे। तो कुछ बाइक राइडर भी रुके हैं भाई, बाइक क्या नाम है? शुभम अहलावत। संसार क्रांति दूर करे लोगों की भ्रांति, देसी देख बिना ब्रेक, लाइक सिर पे गुट्ठा टेक भाई, राम राम दे ठाडू ठाडू, शुभम अहलावत, राम राम भाई साहब। शुभम भाई, वो दिन दूर नहीं है जब आपकी बाइक के ऊपर भी टोल टैक्स लगने लगा। बिल्कुल ये दिख रहा है, वो तो लाग्स का नहीं? बिल्कुल लाग्स का जी। तो टोल वसूली के लिए ये जो है लूट का अड्डा तैयार कर दिया गया है। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो सड़क तैयार नहीं हुई ढंग से। हाँ बिल्कुल, टाइम भी बहुत सारा लग रहा है इस पर, तो सड़क पे इतना अंगा कौन ला रहे NHAI या रोड निर्माण है, जो सड़क के निर्माण के ऊपर इतना फोकस कौन, जितना फोकस इस टोल प्लाजा के ऊपर है। बिल्कुल जी बिल्कुल जी बिल्कुल। ये भाई हरियाणा रोडवेज भाई, राम राम, ठीक हो? बढ़िया। तो फिलहाल जो है ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, जींद रोहतक रोड है यू, जिस पे की टोल वसूली यानी कि NHAI द्वारा जो टोल है उसको तैयारी, राम राम भाई राम राम, तो उसकी तैयारी कर दी गई है जो, राम राम भाई, फिलहाल जो आरको, राम राम भाई राम राम। तो गाड़ी लेकर जो लोग जान लाग रहे हैं, उनके दिलों की धड़कन जो है वो धक 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 करने लगी है। बिल्कुल लागी जी भाई, भाई बिल्कुल जी, हो रहा है। रुपए देकर जाने पड़ेंगे कि 101 का 150 रुपए बना को नहीं है। फिलहाल जिस रोड के ऊपर हम खड़े हैं, NHAI की अगर मैं बात करूं तो भाई नियम के अनुसार हर 60 किलोमीटर में, यानी कि 60 किलोमीटर में एक के टोल होगा, दूसरा टोल नहीं हो सकता। इसका अकेला अकेला 20 किलोमीटर के दायरे में जो गांव होंगे उन गामा का टोल नहीं लगना चाहिए। कई सारे NHAI के रूल हैं, लेकिन उन रूल की अगर मैं बात करूं तो भाई खुली छूट दे रखी है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो रोहतक जींद रोड है यू, कैमरामैन वरुण रेड्डू तो कहूंगा, एक बार दिखा दे भाई, दूर तक दिखा दे। और जींद तक गोहाना रोड की अगर मैं बात करूं तो ओड़े पंभेवा में एक टोल है भाई, बिल्कुल अप्रोच रोड है एक तरह से, और उसके ऊपर भी टोल बना दिया। और फिलहाल NHAI की अगर मैं बात करूं तो अरे तो थोड़ी सी दूरी पर 152D का टोल है। एक तरफ तो NHAI की गाइडलाइन के अनुसार न्यू है कि भाई हर 60 किलोमीटर में, यानी कि 60 किलोमीटर की दायरे में दूसरा टोल नहीं होगा, लेकिन हरियाणा में कई सारी ऐसे टोल नाके हैं जिसमें कि
थोड़ी थोड़ी दूरी पे कई कई टोल हैं। तो फिलहाल तो हम देखने लग रहे हो लोगों की दिल की धड़कन जो है आड़को लेकर जाने बढ़ जाएगी। फिलहाल जो है पूरी तैयारी कर ली गई है। और रोड की अगर मैं बात करूं तो देखिए भाई चल 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 चिंता न करो, थोड़े दिन में टोल लागने लग जाएगा तारा, फिर भी तारा देखो पूरा बंकर की तरह व्यवस्था बना दी है। और जींद ते रोहतक रोड की तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, यानी कि न्यू कैश कहा कि लूट की एक और दुकान जो है लूट की वाड़ खुल गई है। और फिलहाल ये लाइव तस्वीर, मतलब सरकार का बस चला तो घर तक निकल दे टोल का, वो बैरिकेटिंग लग सका है। तो जो राहगीर है कोशिश करांगे उनसे बात करने की, एक भाई जिस रोड की क्या हालत है और इसके ऊपर जो टोल लागण की तैयारी जो है NHAI ने कर दी है, तो इसके बारे में लोगों का क्या कहना है। हालांकि 20 किलोमीटर के दायरे की अगर मैं बात करूं तो 20 किलोमीटर के दायरे में, राम राम भाई राम राम, 20 किलोमीटर के दायरे की अगर मैं बात करूं तो जो 20 किलोमीटर की रेडिएशन में जो भी गांव आए हैं, आ जाओ भाई साइड में ला जाओ तो लोग देखो इतनी वो रिहैक भी बोल दे भी लोग सोचें कि बोलना कि नहीं बोलना। तो ये देखो भाई कैमरा मैन तीन चकुरता कैमरा घुमा दे एक बार, और ये लाइव तस्वीर संसार क्रांति पर हम देखने लग रहे हो लूट की एक और दुकान। NHAI एक तरफ तो न्यू को है कि भाई 60 किलोमीटर में एक के टोल होगा दूसरा टोल नहीं होगा, जबकि आड़े तक कुछ किलोमीटर की दूरी पे अगर मैं बात करूं तो 152D का जो टोल है वह बात है। फिर अगर यह बात रखी जाओगी तो न्यू कहोगे भाई ये तो रोड दूसरा हो गया, यानी कि कोई अड्डा को बांगा को सीधा को टेढ़ा इस तरह के जो है रास्ते है। और पूरा हरियाणा की अगर मैं बात करूं तो टोला का पूरा जो जाल है वो बिछा रखा है। और ये इस तरह से राम राम भाई राम राम सुन ली, जब गाड़ी ले वहां RTO जब अपनी RC बनाए उसके ऊपर टैक्स लग गया है, जब आप पेट्रोल या डीजल डलवा उसके ऊपर टैक्स लग गया है, मतलब कई डाल के टैक्स लगे पाछे भी टोल टैक्स की जो है वो कसर राज है। और इस तरह से ये एक और दुकान जो है कुछ दिनों में इसे हालात हो जाएंगे भाई, एक हल्का है दूसरा हल्का में अगर किसी ने जाना है तो टोल देना पड़ेगा, क्यों जी यही बात है नहीं? सही बात है भाई साहब। देखो सेफ्टी सड़क सुरक्षा नियम जरूरी है, हेलमेट जरूरी है, ये अच्छी बात है, लेकिन जेब के ऊपर डाका NHAI द्वारा जगह जगह टोल वसूली, तेल पर टैक्स, इनकम टैक्स, आप RC बनाओ उसके ऊपर टैक्स, और फिर भी कसर राज्य है, फिर इनकी कसर रहेगी, टोला ही नहीं रह जाए। सरकार का बस चला तो घर का आगे बैरिकेडिंग लुआस के हैं और औरतें गिर ले घर तक बाहर लेकर दे टोल कर जाएगा, टोल लगेगा वो है ना? हाँ जी है। तो इस रास्ते पर कितनी बार गुजरे हो आप? मैं तो डेली आता जाता हूँ। सड़कें खड्डे खड्डों क्या पोजीशन? बहुत ज्यादा है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ काम, टोल टोल से यही ना खड्डे कोने मुंदे हैं है भाई। हाँ टोल से ये खड़े तो चाहे और गहरे हो जाओ, और खुद जो ही ना कोई परवाह नहीं है। तो फिलहाल जो है तो हम देख सको भाई, हमने ये एक तस्वीर दिखाई है अभी किस तरह से NHAI द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई है लोगों की जेबा के ऊपर डाका मारने की, और लोगों की जो दिल की धड़कन है। हाँ भाई धक धक होने लगी इधर मुंह भाई, ऐसा है हम भी जानते हैं, देखते हैं आपकी वीडियो, धन्यवाद भाई। हाँ काम यहाँ टोल ऐसे बनाया जाता है, थोड़े दिन में तभी हो जाते हैं खड़े ना, वह मुंदे जाते ना कुछ भी नहीं, इतनी बरानवाटी होती है, कितने साल में तो ये थोड़े थोड़े बना है, दिल की धड़कन बढ़ने लगी कि नहीं, बस पूछो ना। जब भी आपको गाड़ी लेकर निकलेंगे टैक्स देना पड़ेगा। हाँ टैक्स देना ही देना पड़ेगा, इतना तेल केवल आदमी का इतना तेल खर्च को नहीं, पूरा हरियाणा में घूमने लग जाए तो पेट्रोल डीजल या CNG उसके ऊपर इतना खर्चा को नहीं आएगा जितना खर्चा टोल पाया जाएगा। भाई साहब थोड़े दिन में बाइक पर भी देना पड़ेगा टोल टैक्स। अनिल राठी लखनऊ से आई बात, लखनऊ मदरत है। तो ये लूट की दुकान लूट का अड्डा बन गया है, सरकार लूट का खा रही है गरीब आदमी ने। एक तरफ तो नुका बोले 60 किलोमीटर में दूसरा टोल नहीं होगा, दूसरा यू दो डिंग पर दूसरा टोल रहा 152D का, बस वो नुका देंगे भाई यू तो न्यू बांगा होगा चड है, सरकार बहुत बेईमान आ रही है। तो थोड़े दिन में ऐसा हो सका है भाई, जो आपकी बाइक है इबे तो कौन ही लागण लग गया हड़े, लेकिन बाइक पे भी टोल टैक्स लग सका है। ठीक आपसे सहमत है, ठीक तो क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल भाई, हाँ जी राम राम जी, और ठीक हो जी, कितनी दूर का आए हो? मैं तो रोहतक हूँ, जाऊंगा डिस्ट्रिक्ट सार। तो ये भी सा काम हो जाएगा, एक हल्का था दूसरा हल्का में जाओगे तो और भी टोल देना पड़ सके, और जब सरकार का बस चाल है तो आप घर तक निकलोगे तो आगे बैरिकेटिंग,
पट दे गए टोल कट जाएगा। ये तो हो गया भाई, पैदल पे भी मांगेंगे, ये बाइक बाइक पे गए पैदल पे मांगेंगे। बड़ी बात, बड़ी बात कह दी भाई ना भाई, पैदल पे भी टैक्स लग सकता है। पैदल पे लगेगा भाई, देख ले वाली टोल टैक्स, ये आगे पैदल आ गए हैं, टोल टैक्स दे दिया। अब पैदल का दे दिया जी, नहीं ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी भाई ने, भाई पैदल कभी टोल टैक्स देना पड़ सका है। भाई सरकार को आम आदमी, आम मजदूर, किसान चलाता है और उन्हीं का शोषण करते हैं, तो ये देश हित के लिए अत्याचार है। एक आदमी कितने टैक्स का बोझ, ये देखो भाई जितनी भी ये जितनी भी जनता, कैमरामैन दिखूंगा यहाँ पर दिखा दे भाई। हाँ बिल्कुल जी, तो पूरा जीवन टैक्स भरण में लग जाए, पूरा जीवन टैक्स में बीत जाता है, जो अपनी खुद की मेहनत होती है। 9349 ये टैक्स माफ कर देने चाहिए। जनहित में आपके चैनल के माध्यम से हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर सरकार ने इमीडिएटली ये बंद कर देने चाहिए। मतलब खतरा नहीं लागन लग गया, पैदल आदमी भी घर तक निकलेगा तो उसने भी टैक्स देना पड़ सका है, क्यों जी? मिलना चाहते थे स्पेशल। अच्छा, अच्छा, आपके चैनल को, आपके चैनल के माध्यम से बधाई देते हैं, आपका नाम सुना था, हम हमारी तरफ से आपको नई उम्र की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामना, आपका चैनल तरक्की करे, आपका पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप। शुक्रिया जी, वापस घूमया था मैं, आपको देख लिया था, धन्यवाद। ये आपका लाड प्यारा जी, क्या नाम? सुरेंद्र जी। जमीन अपनी थी, नून भी अपनी थी, ये भी बतरी है, जो बतरी है वही सी बतरी है, इतना पानी भर जाए, इसका 18 किले है, ये टोटल है। अच्छा। सारा 4 किले हम जाकर रुका, उड़े भी रड़े नाले इसे बना दिया सारा, उड़े जा किसान के करे कर के खाओ। भाई एक और नई बात लिख के आएगी, यार इस साइड में और उस साइड में नून है, नून 3 है, नून 5 से, उसमें खेती उस ढंग की को नहीं हो जो पहले, इतना पानी भर जाए निकासी का कोई नहीं, कोई प्रबंध नहीं करा। देखो भाई कितना, देखो किसान जो है, हमने कहा करना जय जवान जय किसान, ये तो हो गया जय परेशान, अब किसान हो गया परेशान। 3 किले भाई के एक नहीं है, 4 किले एक नहीं है, ये गोटा 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 पानी रहा है, बिल्कुल रहा है, देख लो भी आला पड़ा कद तक उनमें। जब भी कितने निर्माण कार्य करे है तो उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी हो है कि आस पास के लोग उससे परेशान न हुए। इनने क्या करा, कुछ थले जाके जो नहर के धान उनमें छोड़ दिया पानी, कुछ डायरेक्ट हमारे खेत में चल रहे लगातार, बारिश हुई सारा पानी पक्के पर तक कच्चे में जागा उड़ा। कंप्लेंट नहीं डाली आपने? बिल्कुल, किसने कहा? मेल डालो एनएचआई को, एनएचआई को डालेंगे जी, बिल्कुल डालो, हम भी मदद करेंगे आपकी। आओ जी और सीट पे, और जी हाँ, राम राम जी, दर्शकों ने भी राम राम, राम राम जी, राम राम। इनकी सरकार है, गौर से देखिए इस शख्स को। सरकार समस्त हरियाणा वासियों की है और सरकार तो सरकार ही है। मैं रोहतक गया था जरा, किसी परेशान है वहाँ, ये लूट की दुकान, जगह जगह लूट की दुकानें खुल गई, लूट की दुकानें और ये टोल टैक्स खुल गए। भाई साहब मेरे को तो इतना पता है, जींद से रोहतक जाने के लिए 1.5 घंटा लगता था, अब 35 मिनट से अंदर अंदर आप पहुंच जाते हैं। आप कपड़ा लेते हैं, रेमंड का कपड़ा लेना है या जींद का बुना हुआ कपड़ा लेना है, जितना आप सुविधा चाहेंगे। लेकिन ये है, आपकी बात यानी नागरिकों की बात भी ठीक है, भी सरकार को ये भी देखना चाहिए कि टोल कितने रुपए का और कितनी दूरी पर हो। बिल्कुल, अरे इतना तेल को नहीं लगता जितना टोल टैक्स पे करना पड़ता। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, आपकी यात्रा मंगल में हो। कब मिलोगे? मैं कल फोन करूंगा। मिलते हैं जी, बिल्कुल जी। तो हाँ भाई ले ले। तो भाई फिलहाल ये लाइव तस्वीर देखो, हर आदमी की अपनी अपनी दुख दी रग है, जिसको थोड़ा सा टोकन की जरूरत है, हर आदमी परेशान आज की डेट में। तो फिलहाल ये लाइव तस्वीर तो हम देखने लग रहे हो, मतलब ठीक है भाई। हाँ भाई, कहाँ से आए? भाई रोहतक से आया हूँ। तो लगन लगा बाइक का भी थोड़े दिन में भाई, ना मानी भाई के करा देना पड़ेगा। सरकार का आगे के काबू है, ठीक है, कुछ भी हो सका है, कुछ भी हो सका है भाई साहब। सड़क बनकर तैयार नहीं हुई, टोल तैयार हो गया भाई साहब, के करा इनका था हाल, बुरा हाल, सारे परेशान कर रखे। हाँ ये प्रॉपर्टी का काम करा हम, रजिस्ट्री बंद है, कच्ची कॉलोनिया ही खोल देनी, रिश्वत मांगा है, रुपये दे दिया, हाँ तो रुपये दे के कच्ची कॉलोनिया में भी रजिस्ट्री कर दे हैं। बोले खम्बे को मैं तार बना दूं, स्कूटर को मैं कार बना दूं, और तू कहे तो लाहौर में सरकार बना दूं, कुछ इस तरह के हालात जो है। ये देखो किसान परेशान है फिर भी हंसने लग रहे, ये अच्छाती है किसान की, ये किसान की अच्छाती है भाई, परेशान है फिर भी स्माइल है चेहरे के ऊपर। तो बिल्कुल चलो, इन दुखद तस्वीरों पर छोड़ के तरती जान लग रहे भाई, वीडियो न कर दो जी, लाके शेयर शेयरिंग का तर दो फतूर, ताकि इन टोलना तय पेंडा छूट सके जरूर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू, जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।